इन अ रिलेशन एक इंसान रिश्ता ख़त्म करना चाहता है तो दूसरा इंसान रिश्ते को कंटिन्यू करना चाहता है, क्या दोनों के बीच कार्मिक रिलेशन खत्म हो गया है? देखो ये कहना इतना आसान नहीं है। अगर एक पर्सन जो है रिश्ते को कंटिन्यू करना चाहता है, दूसरा नहीं करना चाहता, ऐसा हमने बहुत बार देखा है। मैंने मेरे पास कई यूएस के लोगों के या एनआरआईज के जो फोन में आते हैं उसमें ये होता है कि भाई पति जो है ना अपनी थोड़ी सी वो दिखाता है, पावर दिखाता है कि भाई मैं तो कमाने वाला हूँ, अगर मैं रिजेक्ट कर दूंगा तो ये कहीं की नहीं रहेगी, काइंड ऑफ यू नो उसमें रहता है। और पत्नी चाहती है कि भाई उसका कोई सहारा नहीं है तो वो उसके साथ कंटिन्यू करना चाहती है। अब इसमें क्या क्या किया जा सकता है, क्या वो रिश्ता खत्म हो चुका है? देखो अब इसके लिए क्या है, पहली बात तो समझो आप केवल एक प्रयास कर सकते हैं, आप किसी की फ्री विल के साथ दखल नहीं दे सकते। रिश्ता खत्म हुआ है नहीं हुआ ये एकदम से कहना पॉसिबल नहीं है, बट अगर रिश्ते खराब हैं तो डेफिनेट बात है कि कहीं ना कहीं तो कमी है। तो आप क्या कर सकते हैं एज वन पर्सन जो चाहता है कि रिश्ता कंटिन्यू करे, आप पहली लिए तो उस व्यक्ति के लिए होपोनोपोनो प्रेयर अवश्य कीजिए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, ये वाली प्रेयर उसके लिए बार बार भेजिए, उसके लिए प्रति बार बार भी। ऐसा कितने दिन तक कर सके, मैक्सिमम 40 डेज का एक ट्रायल जरूर लेके देखिए, एक आखिरी प्रयास जरूर कीजिए कि अच्छे से हमारी रिश्ता कंटिन्यू करें। मैं जानता हूं आपने किया भी होगा, लोग करते हैं और स्त्रियों के मन में यूजुअली रहता है कि चीजें कंटिन्यू करें, बट अगर कोई व्यक्ति बार बार, सपोज आपने 40 दिन तक प्रेयर कर ली, उस व्यक्ति के बिहेवियर में कोई चेंज ना आए, अगर कोई चेंज ना आए तो फिर आप अपने जीवन के बारे में कुछ और सोचना शुरू करें प्लीज। अगर कुछ चेंज दिख रहा है तो ऑब्वियसली आप उसको कंटिन्यू करना चाहिए। देखो रिश्ता जब कार्मिक डिसॉल्व होता है ना, जब कार्मिक डिसॉल्व होता है ना एक दूसरे के प्रति, फिर वो व्यक्ति आपके जीवन से गायब हो जाता है, होगा ही होगा, फिर आप कुछ कर नहीं सकते, आप चाहें भी उसको कंटिन्यू करना तभी नहीं कर पाएंगे जब कार्मिक का टाइम आ जाता है। तब नॉर्मली क्या होता है, कार्मिक का समय नहीं आता, लेकिन ठीक है वैसे रिश्ते खराब हो रहे हैं तो समय तो लगता है चीजों को ठीक करने में। आप प्रयास करके जरूर देखिए, एक आखिरी प्रयास कर लीजिए, अगर आपके प्रयास के बावजूद भी एक सर्टेन टाइम पीरियड में बंदा नहीं सुधरता तो फिर उस पर अपनी गुलामी छोड़ दीजिए और खुद के बल पर जीने की शुरुआत कीजिए। वेरी सिंपल, मैं एज ए ब्रदर समझा रहा हूं, आप अगर बहन है हमारी कोई सुन लेडीज हैं तो मैं आपको एज ए ब्रदर समझा रहा हूं कि उसकी गुलामी से खुद को मुक्त कीजिए, फाइनेंशियली फ्रीडम इंडिपेंडेंस की तरफ आइए। हम गुलाम नहीं है आप किसी की, कि सारी जिंदगी उस व्यक्ति के आगे गिड़गिड़ाते रहे, प्रेम की भीख मांगते रहे और वो बंदा अपने नखरे ही दिखाता रहे, ऐसा हम किसी के साथ नहीं कर सकते। एक लिमिट तक ही कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है, एक लिमिट तक ही कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है, वो लिमिट हर एक की अलग अलग होती है। मेरा ये मानना है कि जरूर एक प्रयास हर व्यक्ति को दिया जाना चाहिए, पर अगर कोई ना ही सुने, मेरे हर प्रयास यहाँ पर विफल हो जाए तो फिर गो हेड विद योर ओन सेल्फ लाइफ, आप किसी के गुलाम नहीं है और गुलामी जो है हमेशा आपको बहुत नीचा फील कराती है, आपकी सेल्फ एस्टीम को हैम्पर करती है। तो अपने सेल्फ एस्टीम के साथ समझौता हर जगह नहीं किया जा सकता, इस बात को अच्छे से याद रखिए। मेरे ख्याल से आप मेरी बात को समझ गए होंगे, जरूर